press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाय दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा। थोड़ा सा पीछे मैं आपको इसलिए ले जा रहा हूं ताकि मैं आपको कुछ सिखा सकूं कि स्टॉक जब सिलेक्शन करते हैं तो कौन सी इम्पॉर्टेंट चीज पे ध्यान रखनी पड़ती है, उस चीज़ को हम देखेंगे। अच्छा, नॉर्मली मैं कभी भी अपने YouTube चैनल पे किसी स्टॉक के बारे में बात नहीं करता, ठीक है। हाँ, मैंने सिर्फ 2 या 3 स्टॉक्स के बारे में अपने YouTube चैनल पे बात किया है, क्योंकि वो जो स्टॉक्स हैं वो बहुत बेहतरीन हैं और उनमें जब भी आपको एक मौका मिले आप उसमें ज़रूर एंट्री लें। तो ये जो मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ, जो आप थोड़ी देर में अभी आगे देखेंगे, इसके अंदर मैंने 24 नवंबर 2019 को, मैं रिपीट करता हूँ, 24 नवंबर 2019 को मैंने बताया था कि अगर मुथूट फिनेंस 740 के ऊपर जाता है तो वो एक लॉन्ग टर्म का बाई बनता है और आपको उसको अपने पोर्टफोलियो में डाल लेना चाहिए। क्यों डालना चाहिए, क्या कारण है डालने का, आप उस वीडियो में देखें और आप समझ जाएंगे। उसका छोटा सा क्लिप मैं इसके साथ अटैच कर रहा हूं, और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, अगर आप वो पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, जाके आप उसे देखिए, सो दैट आपको समझ में आएगा कि मैंने मुथूट फाइनेंस को क्यों रिकमेंड किया था लंबे समय के लिए, अगर वो 740 के ऊपर क्लोज करता है तो, वरना नहीं, ठीक है। दूसरी चीज, जब मैं मुथूट फाइनेंस के बारे में बात करूँ तो मुथूट फाइनेंस में आपको एक मैं होमवर्क देता हूं, और ये होमवर्क मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं, आप अपना खुद से दिमाग दौड़ाएं। मुथूट फाइनेंस के अंदर जो एक ये गोल्ड लोन की कंपनी है, आप सब जानते हैं, जब भी गोल्ड के दाम बढ़ेंगे ये कंपनियां, यानी कि मुथूट फाइनेंस, मणप्पुरम फाइनेंस, इनके स्टॉक के दाम बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन आप लोग से ये है, आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के कि ऐसा क्यों, अगर सोने का दाम बढ़ेगा तो क्यों गोल्ड लोन की कंपनियों के दाम बढ़ेंगे। आप अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर मुझे जिसका आंसर अच्छा लगा और जिसका आंसर सही होगा तो मैं जब इसका एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा तो मैं उसको उसके नाम के साथ जरूर बताऊंगा कि आपने जो आंसर दिया था वो सही था, ठीक है। तो देखेंगे किसका सही आंसर आता है, और अभी आप आगे देखिए कि हमने क्यों मुथूट फाइनेंस को रिकमेंड किया था 24 नवंबर 2019 को, ठीक है। तो फिर बहुत जल्दी मुलाकात होगी, सीखते रहिए, कमाते रहिए, खुश रहिए। पहला चीज जो है वो मैं आपको मुथूट फाइनेंस के चार्ट से समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने यहां पे मुथूट फाइनेंस का मंथली चार्ट लगाया है, और ये कैसे रीड करते हैं, मैंने आपको अपने चार्ट को कैसे रीड करते हैं मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया है। जिसने वीडियो नहीं देखा मैं आपको ऊपर लिंक में दे दूंगा, आप जाके ऊपर चेक कर सकते हैं, क्लिक करके देख सकते हैं, तो आपको आसानी से मालूम पड़ जाएगा आप चार्ट पे कैसे काम कर सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये एक अप ट्रेंड में है, ये स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है। अगर आप देखें तो बहुत बेहतरीन अप ट्रेंड है इसके अंदर, मुथूट फाइनेंस के अंदर। ओके, अगर मैं आपको इसका वीकली चार्ट दिखाऊं तो वीकली चार्ट भी आपका बहुत बेहतरीन है। तो जो लोग मुथूट फाइनेंस को खरीदना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं, मैं आपको अपना एक तरीका बता रहा हूं, अगर आप मुथूट फाइनेंस को खरीदना चाहते हैं तो लंबे समय की अवधि के लिए जो लोग मुथूट फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो ये स्टॉप लॉस पकड़ के, प्रॉबेबली ये स्टॉप लॉस पकड़ के आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। यू कैन टेक अ एंट्री, और मेरा मानना यही रहेगा कि आप एंट्री तब लें जब आपका ये हाई टूट जाए, ये वाला जो हाई है ये टूट जाए तो आप एंट्री लें ये वाले स्टॉप लॉस को पकड़ के। डायरेक्टली कल से ही पोजीशन मत ले लेना ये वाला स्टॉप लॉस पकड़ के। मेरे कहने का मतलब ये है,
कुछ लोग जल्दबाजी में आ जाते हैं और मान लो वो कल खरीद लेगा और ये वाला जो मैंने नीचे का लाइन बनाया है उसको अपना स्टॉप लॉस पकड़ लेगा, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हो सकता है आपका कभी स्टॉप लॉस हिट हो जाए और वो क्यों हो सकता है मैं आपको उसके बारे में भी बताने की कोशिश करूंगा। अगेन मैं गारंटी से नहीं बोल रहा हूं कि आपका हो ही जाएगा, बट हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर जब प्राइस जाए, जो मैंने अभी ऊपर की लाइन बनाई है उसके ऊपर जब प्राइस जाएगा, आप वहां पे बाई करोगे, तो ये वाला जो नीचे वाला जो स्टॉप लॉस है, जो लोग इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लेना चाहते हैं, ये ब्रेक होना मतलब 90% चांसेस नहीं रहेगा कि ये ब्रेक होगा हाल फिलहाल में, अगर उसके ऊपर गया तो। मैं आपको दोनों प्राइजेस जरा देख के बता देता हूं, हाई मैं आपको बता दूं, अगर स्टॉक का प्राइस अगर आपको क्लोजिंग 740 के ऊपर मिलता है, आप याद रखिएगा 740 के ऊपर अगर आपको बाई मिलता है, स्टॉक क्लोज करता है और एक दिन रुक जाता है वहां पे, क्लोज करके एक दिन मतलब दो दिन उसके ऊपर रह गया, तो आप इसको बाई कर सकते हैं 740 के ऊपर और आप अपना स्टॉप लॉस लगा लें। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 470 का। देखिए मैंने आपके स्क्रीन पे लिख दिया है 470 का आप स्टॉप लॉस, अगर आप लंबी अवधि के लिए काम करना चाहते हैं आप ऐसे काम कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन सेटअप है इसका जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। अगेन जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, मैं किसी को भी बाई या सेल करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, ये मेरी खुद की राय है, मेरी खुद की चार्ट स्टडी है जो मैंने आपके सामने रखी है। आप अगर चाहें तो अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की भी सलाह ले सकते हैं, ये मैंने आपको बताया है, अगर आप करें तो इस तरीके से काम करें वरना ना करें, ठीक है। अच्छा अब ये बताने की मेरा मानना क्यों है कि इसके प्राइसेस बहुत ऊपर जा सकते हैं अगर वो 740 के ऊपर क्लोज किया तो, ठीक है, बहुत ऊपर जा सकते हैं और ये आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है, उसके पीछे एक स्टोरी है जो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, ध्यान दीजिएगा। आज की तारीख में हमारे स्टॉक मार्केट में दो कंपनियां हैं जो लिस्टेड हैं, एएमसी कंपनियां जो लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, वो कौन सी है मैं आपको दिखाता हूं, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और आपको मैं उसका वीकली चार्ट दिखाऊं, मंथली आपने देख लिया, वीकली देखिए क्या जबरदस्त रैली है HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर, वीकली चार्ट है। दूसरी जो लिस्टेड है वो है रिलायंस निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसका नाम बदल के निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो गया है, आप देखिए क्या बेहतरीन रैली है इसके अंदर। तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनियां एक बहुत ही अच्छे फ्लेवर मतलब मार्केट के फ्लेवर में है, मार्केट उसको थम्स अप दे रही है, तो अगर मुथूट फाइनेंस जब उसको एक्वायर करेगा तो आपको सेम चीज उसमें भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो सेम चीजें आपको मुथूट फाइनेंस में भी देखने को मिलेगी, तो आप उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर मान लेते हैं मैं मुथूट फाइनेंस के इस डील को हटा भी देता हूं तो भी आपका मुथूट फाइनेंस बहुत ही अच्छे अप ट्रेंड के अंदर है, बहुत ही अच्छे इसने रिटर्न्स दिए हुए हैं, तो आप इसको बाई जरूर कर सकते हैं बिना उसके भी, लेकिन प्राइस मैंने आप